मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में इंटरमीडिएट ग्रामर के दूसरे महत्वपूर्ण चैप्टर सिंथेसिस को जारी रखते हुए, जैसा कि इसके पहले वीडियो सिंथेसिस के फर्स्ट पार्ट सिंपल सेंटेंस की पार्टिसिपल पार्ट की चर्चा की जा चुकी है, अभी सिंपल सेंटेंस में शेष अंश बचा है। अगले किसी वीडियो में इसकी चर्चा विस्तार से की जाएगी। आज सिंथेसिस में दूसरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को बताएंगे। इसे ध्यान से बोर्ड पर देखें और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछें। कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे करना है इसको जानें। जैसा कि पहली वीडियो में आप समझे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया था, इस वीडियो में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य या डबल सेंटेंसेस या मल्टीपल सेंटेंसेस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज अवश्य हो। प्रिंसिपल क्लाज वह क्लाज है जिसमें अपना अर्थ स्वयं देने का सामर्थ्य होती है। प्रत्येक क्लॉज में उसकी अपनी एक वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस में जितने क्लॉजेज होते हैं उतनी ही वर्ब होती है, कभी कभी वर्ब छिपी रहती है। कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन निम्न प्रकार के होते हैं, इसे बोर्ड पर देखें। लेट्स बिगिन। थैंक यू। देखो बच्चे, सिंथेसिस संयोजन या जोड़ना, पहली कक्षा में हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पार्टिसिपेट में आपने देखा होगा और पढ़ा भी है। आज हम दूसरे पार्ट कंपाउंड सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस ये है क्या पहले जानें। जैसा कि आप इसके पहले भी हम आपको बता भी चुके हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखें, कंपाउंड दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से, यानी उसमें कोऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन है उसको हम जोड़ करके दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन चार प्रकार के हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, यानी क्यूमुलेटिव क्या है? जोड़ बताने वाला। ये क्या जोड़ बताएगा? एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। उसी तरह से दूसरा है एड्रेसेटिव विरोध सूचक। इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है बट, एट, नेवरथलेस, स्टिल, हाउएवर, इटीसी। थर्ड है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव मीन्स छांट बताने वाला या विकल्प बताने वाला, कि इसका विकल्प यह है, इसका विकल्प यह है, यह बताया जाता है। ऐसे तो छांट बताने वाले में क्या क्या है? आर, आइदर, आर, नाइदर, नार, अदरवाइज, ये आपको बताता है अल्टरनेटिव। और अंतिम और चौथा आपका क्वालिटी कंजक्शन है इलेटिव। इलेटिव मीन्स परिणाम सूचक, यानी ये रिजल्ट बताता है। इसके अंतर्गत कौन क्वालिटी कंजक्शन आता है? सो, देयरफॉर, फॉर। अब हम शुरू करेंगे क्यूमुलेटिव कंजक्शन के बारे में। देखें ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या है।
जोर बताने वाला, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है बोर्ड पर, ये जिस कंजक्शन द्वारा एक साधारण वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ा जाए उसे हम कुम्युलेटिव कंजक्शन या कुम्युलेटिव एडिटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहां, He is a poet. He is a dramatist. ये देखें, ये दो साधारण वाक्य हैं। He is a poet और he is a dramatist। ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। और इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस यहां, ये कंपाउंड इसको हम बनाते हैं। देखें, ये जैसा कि आपको बताया गया कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और मिलाने के लिए आपको क्या बताया गया था, ये क्वाड्रेटिक कंजक्शन। क्वाड्रेटिक कंजक्शन में जैसे कि आपको बताया गया कि एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इनमें से हम किसी को एक को मिलाएंगे, इनमें से किसी को मिला सकते हैं। ये कंजक्शन सब है आपके, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, इसमें हम जब इनको मिलाएंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। देखें कैसे मिलता है, ही इज ए पोएट एंड ए किस्ट। यह आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस, एंड जुड़ गया इसे, देखें यहां पर एंड है, या इसको एज वेल एज या नॉट ओनली भी लगा करके देख सकते हैं इसको। ये हम जब इसको जोड़ेंगे तब ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्वाड्रेटिक कंजक्शन को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। यानी दो सिंपल सेंटेंस को के बीच में हम एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो यह आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। इसे इसको आने भी तरीके से देखें, एंड में और भी जोड़ देव जोड़ कर देखें, ही इज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए ड्रामेटिस्ट। बन गया आपका, या इसको ऐसे भी बना देंगे, He is a poet as well as a ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट ये बन गया। ये भी आपको इनमें से कोई जो कंजक्शन हम इसमें जब लगा देंगे, जोड़ देंगे, दो सिंपल सेंटेंस के बीच में जब जोड़ देंगे तो यह कंपाउंड आपका बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो आपने इसको समझ लिया कि क्यूमुलेटिव क्या है, या क्यूमुलेटिव ये कंजक्शन क्या है, आपने इसको जोड़ कर देखा क्या। अच्छा देखें, अब हम एडवर्सेटिव विरोध सूचक को आप हम समझें कि यदि वाक्यों को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़े कि फैक्ट या स्टेटमेंट के बीच विरोध का भाव झलकता है तो हम बट या एट, स्टिल या नेवर, इसी एक का प्रयोग उनके साथ करेंगे। जैसे
लिखें ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। जैसा कि आपको बताएगा कि दो सिंपल सेंटेंस में हम क्वाड्रेटिक कंजक्शन एडवर्सेटिव को बट या स्टिल या नेवरथलेस जोड़ते हैं तो यह कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। देखिए यहां पर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन रहा है। जैसा कि इन दोनों वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, देखें ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह प्रसन्नचित है, यानी वह गरीब भी है और प्रसन्नचित कैसे हो सकता है, इसका मतलब विरोध हो रहा है। वो गरीब भी हो और प्रसन्न भी रहे ये तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस वाक्यों में क्या हो रहा है, इन दोनों साधारण वाक्यों में विरोध का भाव झलक रहा है। और जब विरोध का भाव झलकेगा तो हम बट या एट स्टिल या किसी का भी हम प्रयोग इसमें करेंगे। तो देखिए इसको ए इज, बट गरीब है लेकिन प्रसन्नचित है, तो ये बट का प्रयोग कर दिया। इस तरह से एट भी लगा सकते हैं, ही इज पुअर एट हैप्पी, हो गया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गए, यानी यह एडवर्सेटिव यानी विरोध सूचक शब्द है। यानी जब आपको बताएंगे कि यदि वाक्यों के पढ़ने से ऐसा मालूम पड़े कि फैक्ट या स्टेटमेंट में विरोध का भाव झलक रहा है तो हम इन बट एट स्टिल नेवरथलेस का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तब ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। देखें ये तीसरा अल्टरनेटिव क्वाड्रेटिक कंजक्शन के बारे में देखें ये कैसे हम इसको बनाते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। इसको पहले समझें कि अल्टरनेटिव क्या है, यानी छांट बताने वाला या विकल्प बताने वाला, ऐसा भी आपको पीछे बताया जा चुका है। इसमें होता क्या है कि जब ऐसे वाक्य हो जिनमें बहुत सी चीजों के बीच एक के पसंद या सबको नापसंद करने की बात कही जाए तो उनके बीच हम आर आइदर अदरवाइज नाइदर ना आइदर आर से जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फिर से देख लें अल्टरनेटिव सेंटेंस के बारे में, अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में देखें, अल्टरनेटिव जो क्वाड्रेटिक कंजक्शन है इसके बारे में समझें। इसे यदि ऐसे वाक्य हो जिनमें बहुत सी चीजों के बीच एक को पसंद करने या सबको नापसंद करने की बात कही गई हो तो हम आर अदरवाइज नाइदर नॉट आइदर आर का प्रयोग करके उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखें इसको कैसे कंपाउंड सेंटेंस हम इसको बनाते हैं। यहां ध्यान दें उदाहरण के माध्यम से समझें इसको अल्टरनेटिव क्वाड्रेंट कंजक्शन को। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, इसको देखें ध्यान दें। कंपाउंड सेंटेंस यहां देखें वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये दो साधारण वाक्य हैं। वॉक फास्ट तेज चलो, दूसरा है यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दो, एंट्री तुम्हारी छूट जाएगी अगर जल्दी नहीं करते हो तो। इसमें दो साधारण वाक्य हैं वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, ये दो साधारण वाक्य हैं और इनके बीच में हम कंजक्शन ये आर अदरवाइज को हम जब जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब ये कैसे बनेगा देखें इसको,
कि पहले तो वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, दो साधारण वाक्य हैं आपके सामने, अब इसमें हमको एक कंजंक्शन जोड़ना है तो इसको पहले समझेंगे कि यह वाक्य में क्या कह रहा है। वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो क्या होगी, ट्रेन छूट जाएगी। इसमें वाक्यों को क्या कह रहा है, छाड़ बता रहा है, नहीं करोगे तो छाट बता रहा है। छाट क्या है देखें, इसमें क्या छाट रहा है आपको, वाक यहां देखें, वाक फास्ट आर यू विल नहीं चलोगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट ही जाएगी। या इसको आप इस तरह देखें, वॉक फास्ट अदर वाइज यू विल मिस द ट्रेन। थोड़ा इसको और थोड़ा इधर बढ़ा दें, मिस द ट्रेन, देखिए बन गया आपका। उसी तरह से इसमें जब दो निगेटिव वाक्य होगा तो हम इसको कैसे बनाते हैं देखें, यहां देखें, डू नॉट डू दैट, ये देखें ये दो निगेटिव इसमें है, कह रहे डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, ये दो साधारण वाक्य हैं। अब देखें, यह मत करो वह मत करो, यानी इसमें दो निगेटिव वाक्य हैं, और जब दोनों निगेटिव होगा तो हम इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको ध्यान देंगे, इसको कंपाउंड कैसे बनाएंगे, यहां पर देखें, यहां देखें, इसको ध्यान से देखेंगे कि पहले वाक्य को हम ढंग से पढ़ेंगे कि डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, अगर दोनों वाक्यों में निगेटिव आया है तो उसके लिए नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। देख लें, नाइदर डू दिस नॉर डू दैट, ये बन गया आपका, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, नाइदर डू दिस नॉर डू दैट, ये कंपाउंड आपका बन गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए कि हम अल्टरनेटिव को कंपाउंड सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन जोड़ करके कैसे बनाते हैं, ये आपको आज समझिए। अब नेक्स्ट आपका बच रहा है ये इलेटिव सेंटेंस, उसको भी देखें अंतिम और चौथे क्वाड्रेटिव कंजंक्शन को, इलेटिव परिणाम सूचक कंजंक्शन है ये भी, देखें इलेटिव परिणाम सूचक एक कंजंक्शन है जिसमें आपको बताया गया था देयर फोर सो या फॉर बताए गए हैं। इसको हम यूज करके देखते हैं कैसे करते हैं, इसको कंपाउंड कैसे बनाते हैं, देखें He took bribe
लाइसेंस पे। देखिए भरा है कंपाउंड, इसको हम बनाते हैं क्वाड्रेंट कंजक्शन से। रिलेटिव का पहले अर्थ क्या है पहले समझ लें, परिणाम सूचक को हम कैसे समझते हैं। यदि एक वाक्य में कारण बतलाया जाए और दूसरे में उसका परिणाम बताया जाए तो हम इन कंजक्शन यानी यो क्वाड्रेंट कंजक्शन जो है आपका देयर फॉर सो फॉर का उपयोग करते हैं। फिर से तो देखो, यदि एक वाक्य में कारण बतलाया जाए और दूसरे में उसका परिणाम बताया जाए तो हम क्वाड्रेंट कंजक्शन रिलेटिव में जो क्वाड्रेंट कंजक्शन है देयर फॉर सो फॉर का हम प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखें कंपाउंड सेंटेंस से, तो ये कंपाउंड सेंटेंस यहाँ बन रहा है। यहाँ देखें देखें he took bribe so he was dismissed कमांड बनाया कि he took bribe so he was dismissed। फिर इसको इस तरह बना दें he took bribe therefore he was dismissed। यानी इसको पहले हम साधारण वाक्यों को ढंग से पढ़ें, he took bribe वह रिश्वत लिया था, घूस लिया था, he was dismissed उसको निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया सर्विस से, सेवा से। यानी ये दो साधारण वाक्य हैं और दोनों साधारण से आपको पता चल रहा है कि पहले एक में कारण दिखा दे रहा है या रिश्वत लेने का एक कारण है और उसका एक परिणाम निकल गया आपका डिसमिस करने का, उसको निकालने का, इसलिए हम इसमें देयरफॉर सो का प्रयोग करके इनको हम कंपाउंड बना देते हैं। फिर से इसको समझ लें, पहले हम दोनों वाक्यों को ढंग से पढ़ें, एक में कारण का पता चले और दूसरे में उसका नतीजा यानी परिणाम, तो हम समझ लें कि वह रिलेटिव परिणाम सूचक क्वाड्रेंट कंजक्शन है। अब उसको कैसे बनाएंगे, पहले इन एक ये सारा वाक्य उतारेंगे, दूसरे को हम सो या देयर फॉर जोड़ करके हम उसे उतार देते हैं, तो ये आपका हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस समाप्त हुआ।